नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज की टॉप अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी बिहार की तरफ से पोस्ट का नाम है लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बात कर लेते हैं फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट की। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 11 मार्च 2019, लास्ट डेट है 21 मार्च 2019। बात कर लेते हैं फी को पे करने की लास्ट डेट, तो वो है 21 मार्च 2019। तो दोस्तों, अगर बात करें एज लिमिट की, तो इस फॉर्म को भरने की मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 22 इयर्स। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे निकाली गई है 1676 पोस्ट। तो दोस्तों, अगर बात करें पोस्ट नेम की, तो ये है लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दोस्तों, मैं आपको वो सब्जेक्ट भी बता देती हूँ जिनकी पोस्ट निकली है लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो वो है इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स। तो दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सब्जेक्ट्स, तो वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, वो भी फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ, और आपने क्वालिफाई किया हो यूजीसी नेट। तो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए बीई और बीटेक और एमई और एमटेक डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड गेट एग्जाम पास। दोस्तों, अगर बात करें इंग्लिश की, तो कैंडिडेट्स का मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड यूजीसी नेट पास। दोस्तों, अगर बात करें फिजिक्स का, तो कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड यूजीसी नेट पास। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मैथ के लिए, कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड यूजीसी नेट पास। दोस्तों, अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो अगर आपके सब्जेक्ट हैं सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो कैंडिडेट्स का बीई और बीटेक और एमई और एमटेक डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने क्वालिफाई किया होना चाहिए गेट एग्जाम। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहां से जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पे आपके दो स्टेजेस में एग्जाम होगा, पहला प्री एंड देन मेंस। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, देन आपका मेंस होगा। तो आई होप दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को करिएगा लाइक, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नया अपडेट दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि यहां आपको मिलती है ढेरों जॉब अपडेट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जॉब अपडेट और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।